हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल राइड विद फ्रीबूटर। और हम लोग हैं अभी दूसरे दिन हमारे व्लॉग और इस जर्नी के, जहाँ पे हम घर पे अभी सुबह के बज रहे 7 और अभी चाय बन रही है। हम चाय पियेंगे, उसके बाद हम चलेंगे बहुत सारे जगह। तो हमारे साथ बने रहिए और एंजॉय कीजिए। चाय बनाते हुए आप देख सकते हैं चाय में क्या क्या डली है। तुलसी पत्ता, अदरक, लौंग। ये एक्चुअली मेरे को ना थोड़ी सर्दी लग गई है, तो हम लोगों ने बगल में हमारे तुलसी पत्ता का पेड़ है, उसी से हमने तोड़ के डाला हुआ है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जा रहे हैं चासनाला मंदिर। तो जाते जाते, लेकिन आज हम लोग बाइक से नहीं जा रहे, आज हम लोग जा रहे हैं गाड़ी से। तो चलिए, जाते जाते फिर वहाँ पे जाके हम आपको दिखाते हैं मंदिर। चलिए, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं कर्पूर गौरम
हेलो, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे कल्याणेश्वरी मंदिर है जो कि 25 साल से ज़्यादा पुराना है और यहाँ की काफ़ी मान्यता है इसके बारे में। हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तेरे सर पे गंगा की धारा, माथे पे चांद चकोरा, गूंजे है नाद भोलेनाथ रे। तेरे सर पे गंगा की धारा, माथे पे चांद चकोरा, गूंजे है नाद भोलेनाथ रे। सहारा है तेरा, सहारा है भव सागर हो पार, दिल ने तुम्हें पुकारा है, तुम्हें पुकारा है। करो कृपा त्रिशूल धारी, तुम भक्तों के कैवारी, तुमको पूजे दुनिया सारी भोलेनाथ रे। हम आ गए हैं यहाँ पे, एक और चीज़ यहाँ पे जो कि यहाँ पे बहुत फेमस है वो है यहाँ का कोल माइन। तो हमारे पीछे एक ओपन कास्ट माइन है एक, ठीक है, जो कि अभी भी एक्टिव है, कोल निकाला जाता है। ओके, और ये आपका पाथरडी, आप अगर चासनाला आ रहे हो तो चासनाला से पाथरडी की तरफ रास्ता जो है वो रास्ते के होते हुए आओगे तो आपको ये मिलेगा। और एक चीज़ आपको दिखाना चाहते हैं हम लोग यहाँ, वो जो दो टावर्स देख रहे हैं आप, वहाँ पे एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था आज से करीब 1975 के आसपास। वो दोनों वहाँ पे एक और कोल माइन थी जिसके अंदर पानी घुस गया था। तो पानी घुसने के कारण क्या हुआ था कि बहुत सारे कोल वर्कर्स मजदूरों की जान चली गई थी। तो बहुत ही दुखद बात थी, तब का बहुत बड़ा एक्सीडेंट था। और इसके ऊपर एक मूवी भी बेस्ड है जो कि काला पत्थर इसका नाम है। वो देख रहे हैं आप वहाँ पे, वो बड़ा सा जो पहाड़ जैसा दिख रहा है, एक्चुअली पहाड़ नहीं है, ये जो यहाँ पे ओपन कास्ट की खुदाई हुई है वो निकाल के उसको वहाँ पे रखा गया है। क्या होता है ओपन कास्ट में, ऊपर लेयर में आपका कोल नहीं रहता है, तो पूरा का पूरा जो एरिया है खुदाई करके वहाँ पे रखी गई, उसके बाद उसका कोल निकाला गया है। सो दैट्स वाई वो आपको पहाड़ जैसी दिख रही है। ये जो आप देख रहे हो ये सारे पत्थर है, ये पत्थर आपका जो अपर लेयर जब निकाला गया था, जब वहाँ से खोदा गया था, तो ये सारे पत्थर निकले थे। तो बेसिकली ये ऊपर का लेयर है जिसके नीचे कोल रहता है, तो ये ऊपर का लेयर निकाल के सारा यहाँ पे डाला हुआ है। इसके बाद इस तरह का आपका पत्थर या ब्लॉक ये निकलता है आपका, जो कि बाद में इसको कमर्शियली यूज करने के लायक बना जाता है और इसी को हम कोल बोलते हैं। इस तरह का ब्लॉक आपका वो लेयर निकालने के बाद फिर निकलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ये आम रास्ता नहीं है,
तो सच में ये आम रास्ता नहीं है क्योंकि चारों तरफ माइंस ही माइंस है और यहाँ की रास्ते हैं काफ़ी पत्थर से भरी हुई है। सो ये जगह अंडर माइंस के, कोल माइंस के अंडर ही आती है। सो इट्स नॉट ए नॉर्मल रोड, इसीलिए यहाँ पे ये दिया गया है और ताकि हम सेफली और स्लोली ड्राइव करें, इसी के लिए यहाँ पे ये दिया गया है। तो गाइज आज सुबह का राइड यहीं ख़त्म करते हैं हम लोग, मिलते हैं शाम को। शाम को कुछ अमेजिंग, कुछ स्पेशल लेके आपके पास आने वाले हैं। तो आज सुबह का राइड यहीं ख़त्म होता है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आज दिवाली है और दिवाली मतलब फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। तो दिवाली के इस अवसर पे हम लोग अपने घर को कुछ इस तरीके से सजाया है। फ्रेंड्स आ गए हैं हम VIT कॉलेज प्रेमिसेस के अंदर।